देखिए ये प्रश्न है, निम्न में सबसे हल्की धातु, हल्की का मतलब जिसका वेट कम हो। अब धातुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आधार पर जो है उनकी उनका भार तय होता है, उनका वेट तय होता है। तो सबसे पहले हम सिंबल को जानेंगे और उसके बाद परमाणु क्रमांक और फिर उसी के आधार पर परमाणु भार को हम निर्धारित करेंगे। तो पारे का जो होता है वो HG होता है। उसके बाद आपका चांदी का Ag होता है, लिथियम का Li होता है और लेड का Pb होता है। ये आपका सिंबल है। अब इसका परमाणु क्रमांक तो याद ही होना चाहिए। अब इसका Hg का 80 होता है, Ag का 47 होता है, लिथियम का जो है आपका 3 होता है और Pb का 82 होता है। जर्नली परमाणु क्रमांक याद रहता है, बड़े तत्वों के जो है परमाणु भार जो है अनुमान के आधार पर लगाया जाता है। तो जैसे ये 80 है तो इसका 160 से ज्यादा होगा, 47 है तो इसका 94 से ज्यादा होगा, 94 से ज्यादा होगा। अब ये सब 3 है तो इसका 6 से ज्यादा होता है, इसका 7 होता है, लिथियम का 7 होता है, और 82 है तो ये 164 से आपका ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे हल्का देखना है। तो हल्के में ये 7 आपका लिथियम ही आ रहा है, तो यहां पर लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो सबसे कम होगा। ठीक, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ये तीसरा, तीसरा विकल्प सही होगा। इस तरह के आवर्त सारणी से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में आते हैं, एक नंबरी में, बहुविकल्पीय के रूप में। हल्की धातु का मतलब ये हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तो बराबर होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है वो परमाणु भार होता है। धन्यवाद।